या गोल्ड की पार्टनर पार्टनर वाओ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ रही होगी रोशनी देखिए। तो हे फ्रेंड्स, क्या हालचाल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक अमेजिंग वीडियो, जिसमें हम आपके लिए बहुत ही अनोखी सी चीजें लेके आए। अनोखी तो नहीं है, खाने वाली चीजें हैं, क्योंकि हमारा चैनल खाने पीने का है, तो अनोखी तो नहीं है। हम लेके आए हैं 5 रुपए की आइटम्स। जी हाँ, हम 5 रुपए के वेफर्स और लेके आए हैं चॉकलेट, जो बच्चे बहुत खाते हैं आजकल। और आज हम टेस्ट करके बताएंगे कि वो एक्चुअल में उनका टेस्ट वाकई में अच्छा है कि मतलब नहीं है। आपने वो चीजें देखी कुछ नहीं ऐसी ऐसी चीजें हमने भी देखी हैं। हम मैंने भी पहली बार देखी, तो मुझे लगा कि आपको भी दिखानी चाहिए, तो इसलिए मैं उनको लेके आया हूँ और आज आपके सामने उनको खाएंगे और आपको उसका टेस्ट बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सबसे पहली आइटम है वो है प्रिया गोल्ड की पार्टनर। पार्टनर जोड़ीदार मतलब वैसे पार्टनर नहीं है इसका, जो मतलब जो ये वेफर है इसमें दो। देखिए पहले तो साइज देखिए इसका कितना बड़ा है, और 5 रुपए का है सिर्फ। तो इस दिया दो लोगों दो लोग मतलब दो बच्चे, वैसे तो बच्चों के आइटम है, दो बच्चे खा सकते हैं, क्यों अंशुमन है ना, मतलब दो बच्चे इसमें। एक्चुअली क्या है कि मैं देखो यहाँ पे दिखा रहा, दिख रहा है ये देखो, बीच से टूटी हुई है, टूटी हुई नहीं है ये, आई थिंक इसके अंदर दो पीस है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कि ये कैसी है। कैसी है, वेफर है तो वेफर ही होगा। तो ये है इसका पहला पीस, एंड अब हम इसका करेंगे बटवारा, इसको टेस्ट करेंगे। ये देखिए, तो सब बाद मतलब पहले खा लेंगे उसके बाद बताएंगे इसका टेस्ट। तो अभी कोई रिएक्शन मत देना। तो मुझे तो मतलब बहुत अच्छी लगी, वैसे 5 रुपए में, अभी इसमें आधी और बची हुई है, तो 5 रुपए में एक बच्चे के लिए बहुत अच्छी चीज है। वेफर है, अंदर से ऑरेंज फ्लेवर का है, तो ऑरेंज का जैसे नहीं ऑरेंज वाले बिस्किट आपने खाए होंगे कभी, तो उसके अंदर जो क्रीम होती है, तो वो वाला टेस्ट है अंदर इसमें, वो मतलब वेफर के अंदर अच्छी लग रही है, तो बहुत ही टेस्टी है। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा, अगर आपके वहां मिलती है तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड आइटम है वो भी प्रिया गोल्ड की है, ये है स्नैकर। तो ये देखिए, ये भी कितने की है, प्रिया गोल्ड हक से मांगो, ये भी बट इसमें एक चीज और लिखी होती है, बिन खाए रहना चाहिए, मतलब टैग लाइन है शायद प्रिया गोल्ड वालों की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक पीस है इसका, एक पीस इसमें भी अभी, तो इसको ट्राई करते हैं, इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। तो फ्रेंड, इसको खा के इसका टेस्ट बताएगा अंशुमन, ठीक है, हम बाद में बताएंगे। अंशुमन बताएगा, इसका टेस्ट तो काफी बढ़िया है, बस इसके अंदर बिस्कुट जैसा कुछ है, अगर ये चॉकलेट होती तो और भी अच्छी लगती। तो 5 रुपए के हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, तो लेकिन हाँ इसने सही कहा, मतलब वो वैसा प्योर चॉकलेट वाली मतलब इसमें वो नहीं है, ऑर्डिनरी सी है बस। हाँ, हल्की हल्की सी मतलब चॉकलेट, लेकिन ठीक है, अच्छी है, बच्चों के मतलब खाने में अच्छी लगती है, तो बच्चों के लिए तो बेस्ट है। और वैसे भी प्रिया गोल्ड वाले मेरे हिसाब से तो बेकार चीज तो यूज करेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, ये क्यों हो रही है बेसब्री, आ गया है कैडबरी। तो ये देखिए कैडबरी, ये धोखा है, ये धोखा है, ये है कैडबरी के पर्क है, वैसे तो सब लोगों ने खाया ही होगा, आई थिंक, आई होप सो, लेकिन ये वेफर में आती है तो 5 रुपए की थी, तो इसलिए मैंने इसे भी ले ली कंपेयर करने के लिए जो हम अदर 5 रुपए वाली वेफर खा रहे हैं उसके साथ, स्नैकर वगैरह भी जो स्नैकर हमने खाई तो उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो चलिए इसको, वैसे तो ये देखिए 5 रुपए इसका प्राइस लिखा हुआ है, अगर आपको दिखता है तो ये देखिए। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे बड़ा पहला फर्क तो ये है साइज, इसका साइज उससे मतलब बहुत छोटा है, तो साइज मैटर नहीं करता दोस्तों, ज्यादातर टेस्ट मैटर करता है। तो ये हमारे नवाब ज्यादा कुछ ज्यादा चिल्ला रहे हैं, पहले किसी को टेस्ट करा देते हैं, ये बताएगा आपको कैसा है टेस्ट। पापा बहुत टेस्टी। तो फिलहाल इसको टेस्ट करते हैं। इसका टेस्ट उससे काफी अच्छा है, और इसमें तो चॉकलेट भी एक्स्ट्रा थी। हाँ, और चॉकलेट अच्छी लग रही है, तो मतलब वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मतलब साइज मैटर नहीं करता, स्वाद मैटर करता है, तो उससे तो काफी अच्छी है, तो बहुत ही टेस्टी है।
तो पुरानी शर्ट गई थी मेरी फट, तो आज आपके लिए लेके आए हैं हेयर कट। तो ये एक चॉकलेट है, ये देखिए अगर आपको दिख रही होगी तो इसमें देखिए छोटू हेयर कट स्टाइल बनाने के लिए। तो ये देखिए इसमें अगर आपको अपने बाल कटवाने हो या पर आ जाइए मेरे ब्रदर के पास, आइए चॉकलेट से, वो चॉकलेट वाली कैंची से आपके बाल काटेगा। तो ये देखिए मतलब अच्छी लग रही है पैकिंग में, देखो इसमें कंघी भी है और कैंची भी है, तो चॉकलेट की कैंची और कंघी। तो इस देखते हैं इसका टेस्ट, वैसे दिखाता हूँ अपन का। ये देखिए टेस्ट निकाल के दिखा, पैकिंग से शेप देखिए एकदम प्रॉपर कैंची जैसी है, और ये है कंघी। दोस्तों अगर आपको 5 रुपए में कंघी चाहिए प्लीज यहाँ पर आ जाइए, हम रेकमेंड करेंगे। फिलहाल हम पहले खाएंगे कंघी, मतलब दोनों का टेस्ट एक ही होगा तो कोई कुछ भी खा सकता है, तो आप कंघी ट्राई कीजिए पर हम खाएगा कैंची। और तो मुझे पता है मतलब इसमें थोड़ा सा मीठा ज्यादा है, चीनी वाली है ये, इसमें ज्यादा कोई चॉकलेट नहीं है, वही 5 रुपए के हिसाब से तो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे। तो ठीक है लेकिन कोई खास इतनी अच्छी नहीं लगी, 5 रुपए में बच्चों को खुश कर देगी, खुश कर देती है चॉकलेट के लिहाज से नहीं। देखो मेरे भाई ने खाया था अंडा और ये है रॉकिंग पांडा। तो फ्रेंड्स ये है रॉकिंग पांडा, मतलब चॉकलेट टाइप की, ये देखिए पीछे आपको दिख रही होगी चॉकलेट सी है। अंडे अंडे तो ये सारा रैपर के ऊपर चॉकलेट की स्किन लग गई है। तो जो बचपन में हम काम किया करते थे मैं वो तुमको करके दिखाता हूँ, हर किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करती। अगर आपने किसी ने ऐसे आइसक्रीम का ढक्कन जो हम पैक करवा के लेके आते हैं तो उसका कभी ढक्कन ऐसे चाटा है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैंने तो बहुत चाटा है। मैंने भी टाइम में पैसे बड़ी मुश्किल से मिलते थे के अंदर, मतलब खाली है, मतलब बस थोड़े से ये पता नहीं क्या है, ये अंडे टाइप से है, ये टेस्ट करके बताते हैं कैसे है। शुगर फ्री बिस्कुट था, बहुत ही अजीब सा टेस्ट है उसका तो, पर चॉकलेट अच्छी है, लेकिन चॉकलेट अच्छी है। हाँ तो नेक्स्ट आइटम जो है वो है टूथब्रश और पेस्ट, ये जो पहले वाली कंपनी का जिसकी कंघी और कैंची थी उसी का है, तो शायद इसका भी टेस्ट वैसे ही होगा, लेकिन 5 रुपए में मतलब चीज देखो क्या मस्त बनाते हैं। तो ये देखो ये है चॉकलेट ब्रश और ये है टूथपेस्ट चॉकलेट वाला, तो हम चॉकलेट वाला टूथपेस्ट जो है अपने ब्रश में लगा रहे हैं टीं टीं टीं। और इसको हम चमका दिए हमारे दांत, उससे तो ठीक है, ठीक लग रहा है, मतलब उसमें तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चीनी टाइप की अजीब सी, मतलब चॉकलेट तो था ही नहीं वो, ये 5 रुपए की कुकी वाला है शायद लॉलीपॉप है। तो जब रात में ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक मिनट बताएं आपको समझ में आ रहा होगा तो ये देखिए पीछे ना पीले रंग की पता नहीं इसमें क्या है, इसकी पाइप में शायद ये वो नहीं जो मतलब कई मतलब तोड़ के वो स्टिक्स ही होती है, पता नहीं आप कमेंट करके बताना क्या चीज होती है, तोड़ के उसमें से काफी लाइट सी रिलीज होती है, तो मेरे को वो चीज लगती है जो अंधेरे में मतलब वो चमकती होती है, वो चमकने वाली वो स्टिक्स ही होती है। और यो कुकी का टेस्ट चॉकलेट की लगी है, लग रही है बिस्कुट की टॉफी, ये तो टॉफी जैसी है, ये तो कैंडी है। तो चीनी का पेस्ट चढ़ा दिया ऊपर से, मतलब तो दांत में चिपक जाएगी, चिपक गई हाँ। ओहो ये तो ये तो खा रहा है, ये तो दांतों में चिपक गई अच्छे से, मैं नहीं खाऊंगा इसको, तू ही खा। बस इसका टेस्ट तो अच्छा था, इसका टेस्ट लॉलीपॉप जैसा लग रहा है, दांत में चिपक रही है। कॉन्फिडेंस का क्रंच मंच, हम कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे दोस्त, ये तो बस ऐसे ही मतलब वेफर के साथ ले ली थी, तो 5 रुपए की आइटम में ये भी है चॉकलेट वाली, तो इसका टेस्ट तो सबको पता है, अमेजिंग है। ये सिंगल पीस में आती है, बाकी सब जो अभी तक हमने ट्राई की थी वो डबल पीस में आई है, ये देखिए कि पूरी सिंगल पीस में है। क्रंच मुंह में ही आते पता लग जाता है।
5 रुपए का रोल्स, चॉकलेट रोल, अगर आपने कभी खाया हो तो ये देखिए। अगर आपके वहां मिलता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो इसका नाम है चोकोलोप्स, चोकोलोप्स। इसकी पैकिंग काफी अमेजिंग थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसको टेस्ट करते हैं। इसका टेस्ट अच्छा है। तो फ्रेंड्स एक और ये आइटम देखिए, ये है पांडा, आई थिंक टैडी जेली है, 5 रुपए का है ये भी। तो इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है, ये कैंडी में आती है। इसका कैंडी का शेप भी एकदम मतलब बेयर जैसा ही है, वाइट वाइट सा दिख रहा है। लीची का मतलब थोड़ा खुशबू सी आ रही है लीची की। शुगर है इसमें मिक्स है काफी शुगर, लेकिन नहीं अच्छी है, मतलब जेली है लेकिन टाइट वाली जेली, वो एकदम सॉफ्ट वाली नहीं है, चूई सी है। लीची का काफी ज्यादा फ्लेवर है। तो हमारी लास्ट आइटम ये 5 रुपए का कटोरी चॉकलेट रोलर कोस्टर, ये देखिए नीचे दब ना जाऊं। लेकिन खाली है दोस्तों, ये तो सारा पोपट हो गया हमारा, मतलब आधा ही भरा है वो, ऐसे ही बस खाली ऐसे आसपास लगा रहता है ना तो ऐसा लगता भरा हुआ है, लेकिन ये खाली है। तो इसमें मेरे को लगता है वही जो 5 रुपए का नहीं किंडर जॉय टाइप का भी हम खोला था, तो बालू वाला, बालू वाला। तो इसके अंदर भी छोटे छोटे मतलब वो है बिस्किट, बिस्किट से है। मुझे तो लगता है इसका टेस्ट भी सेम ही होने वाला है। सेम तो हमारा टेस्ट करना कोई बनता नहीं है। ये जो हमारी पाइप से निकली थी उसमें जो लॉलीपॉप सा था ओरियो बिस्कुट वाला, तो उसकी ये जो पाइप हमने तोड़ ली है, तोड़ के इसको हिला लिया है। तो अब चलते हैं इसको अंधेरे में देखते हैं कैसा लगता है। वाओ, देखिए फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आ रही होगी रोशनी, देखिए कितनी रोशनी है इसमें, मतलब एक तो बच्चों के लिए चीज की चीज और ये खेलने के आइटम, अंधेरे में बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हमारी नोटिफिकेशन अगर आप तक नहीं पहुंचेंगी तो आपको हमारी वीडियो को कैसे पता चलेगा। तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।